हेलो फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हम एक ड्रोन बनाएंगे। और यदि आप भी ड्रोन बनाना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि कैसे ड्रोन बनता है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। हम प्लास्टिक का हल्का सेट लेंगे और उसे रिप्लेस कर देंगे ऐसा शेप में। इसे कट करके हमें ऐसा शेप बना देना है, और इसे मैंने निकाला है हेस्टन 720 ड्रोन से। आप किसी भी ड्रोन से निकाल सकते हो, और या फिर आप अपने हिसाब से इसे देख के बना सकते हो। आपके पास जैसा ड्रोन होगा उसमें से निकाल के आप उस शेप में बना सकते हो। इसे हम इसमें पहले नोट कर देंगे और इसे होल कर देंगे ताकि इसे हम इसमें फिक्स कर सकें। यदि आप ड्रोन खरीदना चाहते हो और कन्फ्यूज हो कि कौन सा ड्रोन खरीदें, तो आपको हमारे चैनल पर बहुत सारा ड्रोन का सस्ता और अच्छा ड्रोन का वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और आगे भी हम बहुत सारे ड्रोन का अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाएंगे, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कौन सा ड्रोन पसंद है या फिर कौन सा ड्रोन आप खरीदना चाहते हो, तो मैं उस ड्रोन को मंगा के उसका अनबॉक्सिंग कर दूंगा। उसके बाद यदि आपको पसंद है तो वो ड्रोन आप मंगा सकते हो। इस ड्रोन का सारा स्क्रू लगे हुए टाइट हो चुका है। इसे हमें पिलास और पेचेस की मदद से अच्छे से टाइट कर देना है कि ये आपस में नहीं हिले। फिर हमें इस पर इस सर्किट को लगाना है। दो स्क्रू की मदद से इसे हम इस पर टाइट कर देंगे, और इस सर्किट को भी हम हेस्टन 720 ड्रोन से ही निकाले हैं। इसे हम दो स्क्रू से यहाँ पर टाइट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स रहे। और इसे फिक्स करने के बाद इसमें हम सारा वायर को इसमें लगा देना है, और इस सर्किट पे पूरा पॉजिटिव निगेटिव कौन सा मोटर का वायर कहाँ पे लगाना है इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है पॉजिटिव निगेटिव, तो उसी हिसाब से हमको यहाँ पे लगा देना है। हम चारों मोटर का जो वायर है इस तरीका से हम इस साइड लाएंगे, और यहाँ पर सोल्डिंग आयरन की मदद से सोल्डिंग कर देंगे, और जितना एक्स्ट्रा वायर है बाहर की तरफ निकाल देंगे ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। हम चारों मोटर के साथ ठीक इसी तरीका से सोल्डिंग करके और वायर को बाहर की तरफ निकाल देंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगेगा। इस सर्किट में बल्ब का भी पिन दिया हुआ है, और इसमें बल्ब भी लगाया हुआ है, लेकिन हम बल्ब के वायर को नहीं लगाएंगे इसमें, उसे लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें इस पिन को लगाएंगे ताकि इसमें हम बैटरी का सप्लाई दे सकें। तो यहाँ पे ऊपर में हम दो और होल कर दिए हैं, और इस होल से हम दोनों वायर को बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पर इसका जो बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव है उसमें हम लगा देना है। पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाना है और निगेटिव को निगेटिव में लगाना है। इसमें ज़रा भी हमें उल्टा नहीं करना। यदि उल्टा हो गया गलती से भी और थोड़ी देर के लिए भी इसमें बैटरी का सप्लाई चल गया उल्टा, ये तुरंत इसका सर्किट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसका सर्किट बहुत ही सेंसिटिव बनाया हुआ रहता है। इसका कोई भी ऐसी वो तुरंत डैमेज हो जाएगा। और ये इसका बैटरी है, इसे हम बैटरी का सप्लाई दे देते हैं। और ये ड्रोन अभी ऑफ की कंडीशन में है, इसमें हम बैटरी का जो पिन है इसमें लगा देते हैं, और इस बैटरी को इसके पीछे की तरफ हम टेप की मदद से या फिर डबल साइड टेप की मदद से इसमें हम चिपका देंगे, या फिर कोई स्क्रू से भी इसे आप लगा सकते हो। और इसे लगाने के बाद हम इसमें चारों प्रोपेलर लगा देंगे। इसे हमें अच्छे से चिपका देना है कि ये बैटरी इसमें से निकले नहीं। अब इस ड्रोन में हमें लास्टली प्रोपेलर लगाना है, तो प्रोपेलर को हमें अपोजिट साइड में लगाना है, यानी कि सेम टाइप के प्रोपेलर को अपोजिट साइड में लगाना है। हर एक प्रोपेलर के पीछे या फिर कहीं पर लिखा होगा ए या बी, तो उसे आपको सेम टाइप का जो प्रोपेलर है सेम टाइप का प्रोपेलर को अपोजिट साइड में लगाना है, और फिर बी जो होगा उसे अपोजिट साइड में लगा देना है दोनों। ये मेरा बनकर तैयार है। कि चलिए आप हम इस रिमोट कंट्रोल की मदद से इसे हम कंट्रोल करते हैं या फिर फ्लाई करते हैं। आगे करते ही ये रोटेट होना शुरू हो गया। जब हम इसे नीचे की तरफ करते हैं ये बंद हो जाएगा, आप देख सकते हो ये बंद हो गया। अब हम इस रिमोट के लेफ्ट साइड वाले नोब को धीरे धीरे ऊपर करते हैं ताकि ये जो ड्रोन है वो धीरे धीरे फ्लाई करे। ये आप देखो ये फ्लाई भी कर रहा है, सही से ये काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले आप एक आवाज़ सुने होगे इसे गिरने का। ये गिरने के बाद जो इसका जो प्लास्टिक है वो ये एक्चुअली में प्लास्टिक नहीं, ये फाइबर है, और ये ऊपर से लगभग एक मंजिल की छत पर से ये गिरा और ये टूट गया। देखो ये अभी भी काम कर रहा है, मैं इसे रिमोट से कंट्रोल करके देखता हूँ ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसका जो तीन मोटर है वो काम कर रहा है, लेकिन एक मोटर ये फंस रहा है शायद कहीं पर, ये काम नहीं कर रहा है। ये एक मंजिल के ऊपर से गिरा और टूट गया ये, इसलिए मैं आपको इसका वीडियो पूरा नहीं बना कर दिखा सका ये किस तरीके से फ्लाई करता है। ये ऊपर की ओर उड़ा, एक दीवार में टकराया और सीधे नीचे गिरा, इसीलिए इसका जो देख रहे हो ये दोनों साइड से इसका जो फाइबर है वो टूट चुका है, इसलिए मैं आपको इसका वीडियो नहीं बना सका। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको ये ड्रोन का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करना। धन्यवाद।